वेलकम बैक टू न्यूज़। आज की हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में, केएल राहुल के सर्जरी के बारे में, देन जॉफ्रा आर्चर के बारे में और ये बहुत कुछ। मैं आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो कंटेक्ट जरूर देखना और हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सबसे पहला न्यूज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से, तो कल का जो मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस एमआई का, उसमें क्वेश्चन आया था विच ऑफ दिस टीम्स विल मेक द प्लेऑफ। तो भाई सारे लोगों ने वोट किया था आरसीबी को 51% तक का। 51% पीपल बिलीव आरसीबी विल मेक इट टू द प्लेऑफ। बट गाइस, जब आरसीबी 9 तारीख को मैच हारी थी तब उनके प्लेऑफ के चांसेस 51% से घटकर 23% पहुंच गई है। अब आरसीबी के प्लेऑफ के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। उनके लास्ट तीन ही गेम बचे हैं जो कि नॉकआउट होने वाले थे। उन्हें तीन में से तीनों गेम्स जीतने होंगे तब जाके आरसीबी की टीम 2023 के लिए क्वालिफाई करेगी। नेक्स्ट बात करने वाले केएल राहुल के सर्जरी के बारे में। 9 तारीख के दिन केएल राहुल ने एक पोस्ट शेयर किया था, हाय एवरीवन, आई जस्ट गॉट डन विद माय सर्जरी, इट वाज सक्सेसफुल, अ बिग थैंक यू टू डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ फॉर मेकिंग श्योर आई वाज कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथली। आई एम ऑफिशियली ऑन द रोड टू रिकवरी नाउ। आई एम डिटरमाइंड टू बैक टू माय बेस्ट एंड गेट बैक ऑन द फील्ड। तो गाइस, केएल राहुल ने अपने सर्जरी के बारे में रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने बताया है कि ये सर्जरी सबको सही हो चुका है, देन वो पहले से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिट्वीट किया था, विद यू ऑल द वे कीपर, यू विल बी बैक इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो हां गाइस, सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं केएल जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो बैक करे। नेक्स्ट बात करने वाले जॉफ्रा आर्चर के बारे में। जॉफ्रा आर्चर हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ आईपीएल 2023। सो मुंबई इंडियंस ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है, क्रिस जॉर्डन विल जॉइन द एमआई स्क्वाड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। क्रिस रिप्लेसेस जॉफ्रा आर्चर हुज रिकवरी एंड फिटनेस कंटिन्यूज टू बी मेंटोर्ड बाय ईसीबी। जॉफ्रा विल रिटर्न होम टू फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन। तो गाइस, जॉफ्रा आर्चर को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुलाया अपने देश ताकि वो अपने फिटनेस में फोकस कर सके। इसके साथ ही वो फिट रहे ताकि 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप में वो एकदम फिट हो सके इंग्लैंड की टीम के लिए। नेक्स्ट बात करने वाले मिचेल मार्श के बारे में। मिचेल मार्श मेक अ बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर वर्ल्ड कप 2023 फाइनल। सो उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के पॉडकास्ट में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया 2023 के फाइनल में 450 रन बनाएगी 2 विकेट नुकसान पर, देन इंडिया 65 पे ऑल आउट हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम 385 रन से मैच को जीत लेगी। सो गाइस, ये उन्होंने बहुत ज्यादा फनी प्रेडिक्शन किया। आप दिल्ली कैपिटल्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है गाइस कि ऐसा होगा 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल्स में, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करने वाले लियोनेल मेसी के बारे में। जॉर्ज मेसी ऑफिशियल स्टेटमेंट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग एग्रीड विद एनी क्लब फॉर नेक्स्ट सीजन, वी विल डिसाइड एट द एंड ऑफ द सीजन, नथिंग इज साइंड एग्रीड और वर्बली एग्रीड, ओनली फेक न्यूज यूजिंग लियोस नेम। सो गाइस, मेसी ने ऐसा बयान दिया है। काफी लोग ये कह रहे थे कि लियोनेल मेसी बीच में ही क्लब को छोड़ देंगे, बट उन्होंने से बताया कि ये सब कुछ न्यूज फेक है। जब तक ये लीग पूरा खत्म नहीं हो जाता है वो क्लब नहीं छोड़ेंगे, देन इसका फैसला वो सीजन के एंड में लेंगे कि आगे क्या करना है। उन्होंने बताया कि सारे जो न्यूज हो रहे हैं उनके नाम से फेक न्यूज है और आप इन न्यूज पे बिलीव ना करें।